हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की हमारी रेसिपी है हरी चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हैं, थोड़े से स्मॉल साइज़ के अदरक के टुकड़े लिए हैं, और मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं जो कि हरे धनिए से आधा है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून फूटे चने के दाल लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का नींबू लिया है जिसका मैंने रस निकाल लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है और स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। फिर हम इसमें थोड़ा सा वाटर ले लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च ले लेंगे। अब हम एक जार लेंगे, उसमें धनिया के पत्ते को डालेंगे, पुदीने के पत्ते डालेंगे, हरी मिर्च को तोड़ के डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करें। फिर हम इसमें अदरक के टुकड़े डालेंगे, लहसुन डालेंगे, जीरा डालेंगे, चना दाल डालेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे और नींबू का रस है उसे डालेंगे। अब हम इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही इसका पेस्ट तैयार करेंगे, एक साथ पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो स्मूथ पेस्ट तैयार नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा मिक्सी चला के फिर बंद करके इसमें पानी ऐड करिए इस तरह से, और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लीजिए। ये देखिए हरी चटनी बनकर तैयार है। इसे आप सैंडविच के साथ, समोसे के साथ, डोसे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।